राम राम। आज पेटवाण गांव मैं अपनी जनसभा के माध्यम से सबसे पहले मैं हरियाणा के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा ने जो फैसला सुनाया चार पांच महीने पहले, उस फैसले की गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दी। जिस सरकार ने हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जिस सरकार ने किया, जो हरियाणा चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विकास दर में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर एक पहुंचाने का काम जिस सरकार ने किया, आपको याद होगा जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में सबसे कम बेरोजगारी थी पूरे प्रदेश देश में 2.8% भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार। और इसी मोदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब हरियाणा में त्रिपुरा के साथ सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कोई प्रदेश बना है। पूरे देश में 28% बेरोजगारी, हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़े करने का काम अगर किसी ने किया तो इस खट्टर सरकार ने किया है। आपको भी दिन याद होगा जब गिनती का दिन था और 12-1 बजे टीवी पे रेडियो पे आप गिनती देख रहे थे, सुन रहे थे, तो नतीजा पूरे देश ने देखा। कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 37 सीटों पे आगे चल रही थी और बीजेपी 35 सीटों पे आप आगे चल रही थी, वो नजारा भी आपने देखा हो। केवल 4200 वोटों से 2 करोड़ मतदाताओं के प्रदेश हरियाणा में मात्र 4200 वोटों से फैसला हुआ कि सबसे बड़ा दल खट्टर साहब के नेतृत्व में बीजेपी है या हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस है। 4200 वोटों का फैसला, 4200 वोट अगर ज्यादा आती कांग्रेस की तो कांग्रेस की 36 सीट थी, बीजेपी की 35, हमारा सबसे बड़ा दल के रूप में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आती। 4200 वोट से ज्यादा तो अकेले पेटवाड़ में वोट है। मीडिया का सर्वे आ रहा था, 21 की वोटिंग थी, 18 को सर्वे आया एबीपी न्यूज ने, कितनी सीट दिखाई थी, 83। उससे पहले जी टीवी ने सर्वे किया, उन्होंने दिखाई 76 बीजेपी की। 16 तारीख का सर्वे आया एबीपी की न्यूज का, 18 को आया 83 दिखाई, आज तक ने 87 दिखाई, वो तो 21 को वोटिंग पड़ गई, नहीं तो कोई सा चैनल 90 के भी गुदाने वाला था बीजेपी को। तो बात यह आई कि जो बाकी एमएलए जीत के आए हैं वो किस नाम से जीत के आए हैं, दोबारा से खट्टर सरकार बनाने के नाम से जीत के आए हैं या खट्टर सरकार को जमना पार करने के नाम से जीत के आए हैं, ये बात आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेजेपी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जो पार्टी 5100 पेंशन करेगी, किसान का कर्जा माफ करेगी, उस पार्टी को समर्थन है। हुड्डा साहब ने जवाब दिया कि हमने तो सबसे पहले घोषणा करी है, उसके बाद आपने अपने मैनिफेस्टो में हमारी घोषणा को की नकल की है, 5100 पेंशन और किसान का कर्जा माफ, ये तो हम करेंगे। मगर जब उनकी हुड्डा साहब का जवाब आया उससे पहले टीवी पे अमित शाह खट्टर साहब की और जेजेपी के नेताओं की फोटो आ गई कि हमने समझौता कर लिया है, सरकार बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र नारनौंद से भी उनके एक विधायक हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो उनने वोट मांगे थे वो दोबारा से खट्टर सरकार को चंडीगढ़ में बिठाने के नाम पे वोट मांगे थे या उनको जमुना पार करने के नाम से वोट मांगे थे, मैं आपसे पूछता हूं। जो वोट मांगे थे वो खट्टर सरकार की गोदी में जाके बैठने के वोट मांगे थे या हरियाणा में बदलाव के वोट मांगे थे, मैं आपसे पूछता हूं, बदलाव के मांगे थे कि नहीं मांगे थे? वोट किसी और के नाम से लो और जाकर विश्वासघात करके जिसने आपको वोट दिए उसके मान सम्मान की पगड़ी को की बिना परवाह करे विश्वासघात करके सपोर्ट किसी और को करो। ये राजनीति में ये गिरावट, राजनीति में अनैतिकता और गिरावट है, और इस अनैतिकता और गिरावट की गूंज पूरे देश में गई। लोगों की मन की भावना थी कि प्रदेश सरकार ये बदले, जिस सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर एक बेरोजगारी में बना दिया, जिस सरकार ने हरियाणा को अपराध में नंबर एक बना दिया, जिस सरकार ने हरियाणा को निवेश की पटरी से उतार दिया, जिस सरकार ने हरियाणा में 3 बार फौज बुलाई, धनाधन गोलियां चली, 81 लोगों की जान
पुलिस और फौज की गोली से गए, आज तक देश के इतिहास में कश्मीर में भी किसी एक सरकार के कार्यकाल में 81 नागरिकों को फौज और पुलिस की गोली से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी देश के इतिहास में। हरियाणा में खट्टर सरकार को यह कुख्याति प्राप्त है कि इनके कार्यकाल में 81 लोगों को जान गंवानी पड़ी, चाहे पंचकुला की बात हो चाहे रोहतक की बात हो। और उसी सरकार को दोबारा से कायम करने का काम हरियाणा के अंदर हुआ। मुझे पता है कि आपके दिल में दर्द है और मैं ये भी जानता हूं कि जब लोकसभा के चुनाव में जब रोहतक लोकसभा की सीट पर शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करके सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपनाकर दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारों ने मुझको निशाने पर लेकर रात के अंधेरे में जो मुझको वहां पर निशाने पर लेकर हराने का काम किया, उस समय भी आपके दिल में दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो निशाने पे मैं क्यों था? मैं कोई व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी नहीं है, निशाने पे इसलिए था क्योंकि आपकी हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी आवाज उठा रहे थे। देश में और प्रदेश में कोई विपक्ष में कोई मजबूत आवाज ना हो, कैसे विपक्ष की उस मजबूत आवाज को दबाया जाए, उस आवाज को बंद किया जाए, इसीलिए निशाने पे था। मैं निशाने पे नहीं था, आप निशाने पे थे। 6 महीने नहीं हुए सरकार को और पेटवाड़ के अंदर जो आज इतनी बड़ी हाजिरी ये दिखा रही है कि ये गठबंधन हरियाणा के लोगों के गले में ये गठबंधन नहीं उतरा। इस गठबंधन का कहनी और कथनी में इस गठबंधन में फर्क 4 महीने होने जा रहे हैं। कौन मिनिमम प्रोग्राम का कोई अता पता नहीं। झूठ बोलो और लूटो, झूठ और लूट। कौन सा महकमा किस महकमे से कितनी कमाई हो सकती है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हुआ है। इसी को लेकर लड़ाई हो रही है आपस में कि भाई लूटने खसूटने वाला ये महकमा इसके पास चला गया, इतना महकमे ये ले रहा है, इस बात को लड़ाई। हरियाणा के लोगों का कोई जिक्र नहीं। वायदा किया था 75% आरक्षण करेंगे युवाओं के लिए और क्या किया, अभी रिजल्ट आया कल असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस सरकार ने जिसने SDO में 70 में से 68 बच्चे बाहर से लगाए थे हरियाणा के बाहर के, कल रिजल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, 18 में से 11 बच्चे बाहर के प्रदेशों के लगाने का काम इस सरकार में। वायदा था 75% का, वायदा था 5100 पेंशन करेंगे, बीजेपी ने कहा था 3100 करेंगे, फैसला होना था 5100 हो गया कि 3100 हो गया 1 नवंबर से, मगर क्या किया, 50 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया। ये राजनीतिक गिरावट है। वायदा था किसान के कर्जे माफ करेंगे, आज देश में महाराष्ट्र में किसान के कर्जे माफ हुए, राजस्थान में कृष्णा पुनिया बैठी हैं, राजस्थान की सरकार ने किसान के कर्जे माफ किए, पंजाब के अंदर किसान के कर्जे माफ हुए, राजस्थान में 2 लाख तक के सारे कर्जे माफ हुए, किसान पंजाब के अंदर 4 लाख तक के सारे कर्जे माफ हुए, महाराष्ट्र के अंदर हमारी गठबंधन सरकार ने 4 लाख तक के सारे कर्जे माफ किए और हरियाणा के अंदर किसान का कर्जे माफ करने की तो दूर की बात है। ये कह दिया कि भाई टाइम पे भरो नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। वायदा था घर सारे गांव के अंदर गांव से पूछ के ठेके बंद करवाएंगे ताकि शराब और नशे के रास्ते युवा हटे, और क्या किया, हर घर में 1000 रुपए लेके आपको लाइसेंस मिल जाएगा, 2 पेटी रखोगे, एक देसी और एक अंग्रेजी, और गुड़गांव में फरीदाबाद में और पंचकुला में रात को 3 बजे तक शराब आप खरीद सकते हो। और JJP पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कह रहे बहुत बड़ी उपलब्धि, रात को 3 बजे तक जाके शराब पी। कथनी कुछ और, करनी कुछ और, नए काम बड़ी परियोजनाओं की तो दूर की बात है, पुराने भी काम पुराने भी प्रोजेक्ट आपको याद होगा, एयरपोर्ट मंजूर कराया था यहां पे हमने, महम में एयरपोर्ट बन रहा था, मुंडाल भैनी सुरजन इन ये पूरे अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरा एयरपोर्ट यहां पे आना था, लाखों बच्चों को रोजगार मिलता। अगर एयरपोर्ट नोएडा चला गया सरकार ने बोला नहीं, चू तक नहीं करी, वो एयरपोर्ट यहां पे आता तो अपने अपनी अगली पीढ़ी को फायदा मिलता कि नहीं मिलता, मैं आपसे पूछता। जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1952 में, उस समय पूरी नारनौंद तहसील हरियाणा से 5 MP थे, केवल 5 MP की सीट थी उस समय,
पूरी नारनौंद तहसील रोहतक लोकसभा हिस्सा का पार्ट था। सबसे ज्यादा उनको अगर लीड मिली 52 के चुनाव में और 57 के चुनाव में, दो बार लोकसभा से चुन के यहाँ गए तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी को नारनौंद के इस तहसील से सबसे ज्यादा लीड मिली। नारनौंद में और कलोई में, पेटवाड़ में, सांगी में के मेरे लिए कोई फर्क नहीं। मैंने भी हमेशा अपना मानकर पूरा, कोई भी हल्का कभी कोई आदमी आया किसी को, मैंने पूरा मान सम्मान दिया कि नहीं दिया पहले तो नहीं बताओ भाई। कोई आया, किसी ने बुलाया, मैंने कति अपना मानकर, और भाई आपने भी पूरा मान सम्मान आशीर्वाद दिया। जब नतीजा आया, जब कांग्रेस और बीजेपी 35-35 सीटों में बराबर चल रही थी, ये 5-7 सीट और साथ दे देती तो हरियाणा में थारी सरकार होती कि नहीं होती, नहीं बताओ भाई। तो अब नहीं बताओ, तोड़ की बात, बाकी तो बात होंगी, लड़ाई लड़ेंगे, ये सरकार भी पूरी नहीं चलेगी। या भी बता देता हूँ, लिख के नोट कर लेना, आपका साथ आपका आशीर्वाद होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने भी बीच में, इस सरकार की भी झंडी बीच में पाड़ देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। न्यू बताओ, तुम भी उतना है, अपना अपन मानोगे कि नहीं मानोगे, तोड़ बताओ भाई, तोड़ बताइयो, कति जीव, कति जो, कति दिल की बात हो ना जी की, कति न्यू की न्यू बताइए, थारी आत्मा की बात बताइए भाई, तोड़ मानोगे नहीं मानोगे भाई, साथ दोगे कि नहीं दोगे। इनने जोर लगा लिया, 5 साल तक हुड्डा साहब को निशाने पे रखा, मेरे को निशाने पे रखा, सारे मिलके, सबने मिलके प्रदेश के अंदर राजनीति करी। मगर अब एक काम हो गया सुथरा, पहले तो कोई सा पहलवान आगे था, कोई सा पाछे था, सारे एक पाड़े में हो गए, एक पाड़े में सारे, एक पाड़े में तमो भाई। ये काम तो सुथरा हो गया कि नहीं हो गया। मगर भाई तारा साथ चाहिए, तोड़ की बात जो मैंने कही थी एक बार फिर बताओ भाई, जी और आत्मा से बताइयो, तुम साथ दो तो भाई सर पे कफन बांध के तुम साथ करो भाई, सड़क से लेकर संसद तक हरियाणा के लोगों की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे। अगर आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो मन से आत्मा से आप बताओ तो भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो पेटवाड़ से इतनी बड़ी संख्या में जो आपका आशीर्वाद मिला है, बड़ा हमारा हौसला बढ़ा है, और इस हौसले को बढ़ाकर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, इस हौसले को बढ़ाकर पूरे हरियाणा में जाएंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हरियाणा सही दिशा में, सही रास्ते में, एक ऐसी रास्ते में कि हरियाणा का भविष्य अच्छा हो, हरियाणा का युवा का भविष्य अच्छा हो, ऐसे रास्ते पर हरियाणा नहीं जाए तब तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तब चंडीगढ़ में आपके मान सम्मान की पगड़ी जब चंडीगढ़ में ऊपर जब तक ना हो तब तक लड़ाई लड़ेंगे, कति नहीं डटेंगे भाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, जय पेटवाड़ गांव की, और भाई जय नारनौंद वालों की।